नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच कंपैरिजन से रिलेटेड है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी चाइना और इंडिया के बीच कंपैरिजन की बात आती है तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, ये तो देखो एक प्रकार से सेब और संतरे के बीच कंपैरिजन जैसा है। मतलब आप इंडिया और चाइना को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि दोनों देश अलग अलग चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। देखो, दोनों देश सेम ही तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। करप्शन इंडिया में भी है, करप्शन चाइना में भी है। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन इंडिया में भी हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है। इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं गरीब और अमीर के बीच में इंडिया में भी है, चाइना में भी है। फूड कंटामिनेशन संबंधित स्कैंडल्स इंडिया में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं। तो चैलेंजेस तो दोनों देशों के सामने सेम ही हैं। डिफरेंस है, चाइना में अथॉरिटेरियन पॉलिटी है और इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल है। डाइवर्जेंट टेम्परामेंट है दोनों देशों में। जिस प्रकार से हम चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, जिस प्रकार से वो चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, डिफरेंस है। और फाउंडेशनल कल्चर भी दोनों देशों का अलग अलग है। देखो, संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स के लिए। हमारे देश में मीडिया को काम करने की आज़ादी है, लेकिन चाइना में वहाँ की जनता को बहुत कम राइट्स दिए गए हैं। मीडिया को काम करने की आज़ादी नहीं है। मतलब फाउंडेशनल कल्चर अलग है इंडिया और चाइना का। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, राइटर जो कि हैं पल्लवी अय्यर, उनके द्वारा ये कहा जाता है, जिस प्रकार से इंडिया ने आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बनाया है, ऐसा लगता है इंडिया ने चाइना की प्लेबुक से एक लीफ ले लिया है। मतलब चाइना को कॉपी करने की इंडिया ने कोशिश की है। चाइना और इंडिया दोनों देखो सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स का सामना कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स में। जैसे चाइना के तिब्बत में और चाइना के जिंगजियांग रीजन में अलग से देश की मांग उठती रहती है। और इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में समय समय पर अलग से देश बनाने की मांग उठती रहती है, या फिर ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की मांग उठती रहती है। एक इसका रीज़न देखो ये भी है, इंडिया में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो है हिंदू कम्युनिटी, और जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो है मुस्लिम कम्युनिटी, और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो है क्रिश्चियन कम्युनिटी। और इवन चाइना में भी, तिब्बत में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो चाइना की मेजोरिटी कम्युनिटी से अलग है। तिब्बत में मेजोरिटी कम्युनिटी है बुद्धिस्ट, और जिंगजियांग रीजन में मेजोरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम। चाइना और इंडिया दोनों का कहना है, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे अलग से देश की मांग या फिर ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की मांग उठती रहती है, ये हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाइना ये कहता है, तिब्बत पिछले 700 सालों से चाइना का पार्ट है, और वो लोग जो अलग से देश की मांग करते रहते हैं तिब्बत में, वो सेपरेटिस्ट हैं या फिर सेपरेटिस्ट हैं। चाइना कहता है, जिंगजियांग रीजन में और तिब्बत में डेवलपमेंट की आवश्यकता है। चाइना में जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये भी कहती है कि हमने तिब्बत में और जिंगजियांग में लोगों को आज़ाद करवा दिया है। किससे? जो फ्यूडल रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे, और जो बैकवर्ड रिलीजियस नॉर्म्स हैं उनसे। देखो, जैसे इंडिया में मेजोरिटी कम्युनिटी हमेशा ये कहा करती थी कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है, उसी प्रकार से तिब्बत और जिंगजियांग रीजन में भी चाइना ने काफ़ी सारे सोप्स यानी छूट दे के रखी है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में आई 1978 में, लेकिन इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कहाँ पर? तिब्बत में। लेकिन चाइना की जो मेजोरिटी कमेटी है हान चाइनीज, वो हमेशा से ये कहती आई कि तिब्बत को आपने क्यों छूट दी है, तिब्बत में वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। चाइना ये भी कहता है, हमने तिब्बत में और जिंगजियांग रीजन में वुमन को इक्वालिटी प्रोवाइड की है, महिलाओं को एम्पावर किया गया है। अब देखो, यही सब आर्ग्यूमेंट इंडिया में भी दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने के लिए। सरकार के द्वारा बोला गया है जम्मू एंड कश्मीर में अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा और इक्वालिटी फॉर बिफोर लॉ आएगा आर्टिकल 35A को स्क्रैप करने से और आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बनाने से। मतलब जो कुछ चाइना कहता है वही इंडिया अब कह रहा है। जैसे देखो, चाइना
के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि जिंगजियांग रीजन में और तिब्बत में ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल स्किलिंग, इलीगल डिटेंशन, टॉर्चर, रेप, मिलिटराइज्ड इन्वायरमेंट, ये सब आरोप जो चाइना के ऊपर लगते हैं वो इंडिया के ऊपर भी लगे हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन ये जो आरोप हैं ये बल्कि देखो रुकावट हैं, इन आरोपों की वजह से चाइना जो है तिब्बत और जिंगजियांग रीजन के लोगों के दिलों को नहीं जीत पाया है, और इंडिया भी अगर इन एलिगेशंस को एड्रेस नहीं करता है तो इंडिया भी कश्मीर में लोगों के दिलों को जल्दी से नहीं जीत पाएगा। देखो इंडिया ने एक आर्गुमेंट ये दिया आर्टिकल 370 को इन ऑपरेटिव बनाने का कि स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था ये रुकावट था सेपरेटिज्म का, इसकी वजह से कॉमन आइडेंटिटी नहीं डेवलप हो पा रही थी पूरे देश की। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा इंडिया में और एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होगी। तो इसके जवाब में ये बोला जाता है चाइना ने तो देखो स्पेशल स्टेटस नहीं दिया था तिब्बत को या फिर जिंगजियांग रीजन को, लेकिन बावजूद इसके आज भी तिब्बत के जो लोग हैं वो चाइनीज आइडेंटिटी के करीब अपने आप को नहीं पाते हैं, या फिर जिंगजियांग रीजन के जो लोग हैं वो अपने आप को चाइनीज आइडेंटिटी के करीब नहीं पाते हैं। फेमस प्रोफेसर हैं देबेश आनंद, इनका कहना है इंडिया और चाइना दोनों पोस्ट कॉलोनियल इनफॉर्मल एम्पायर हैं, दोनों इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं लेकिन ऐसा करके वो खुद के इंपीरियलिस्टिक अटेम्प्ट को छुपाते हैं, यानी साम्राज्यवाद के जो अटेम्प्ट हैं उनको छुपाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान अपने बॉर्डरलैंड को डिसिप्लिन करते हैं, अपने बॉर्डरलैंड को कंसोलिडेट करते हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है फर्क इंडिया और चाइना में ये रहा है, चाइना के ऊपर कॉलोनिज्म के जो चार्जेस लगते हैं वो इंडिया से अलग हैं। इंडिया इस प्रकार से जवाब देता है हमने देखो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, हमारे संविधान में आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 35A है, वहाँ पर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस है, जम्मू एंड कश्मीर में कोई लैंड नहीं खरीद सकता, वहाँ पे कोई परमानेंट सेटल नहीं हो सकता। लेकिन इसके ठीक विपरीत चाइना ने तिब्बत की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज कर दी, हान चाइनीज बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो गए तिब्बत में जिंगजियांग रीजन में, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इंडिया के पास ये जो मोरल डिफेंस पहले हुआ करता था वो मोरल डिफेंस इंडिया के पास अब नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। लास्ट में कंक्लूजन में देखो दो चीज़ें बोली जाती हैं, जिस प्रकार से चाइना की इकोनमी ने ग्रो किया ये एक मिरेकल है, चमत्कार से कम नहीं है कि चाइना अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनमी बनने जा रहा है कुछ ही सालों में यूएसए को पीछे छोड़ के। लेकिन इंडिया ने जिस प्रकार से अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो विभिन्न देशों के एक्सपर्ट्स ये बोला करते थे कि इंडिया का बाल्कनाइज हो जाएगा, यानी इंडिया काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया, जिस प्रकार से हमने देश के विभिन्न रीजन्स की जो एस्पायरेशंस थी उनको पूरा करने का काम किया संविधान के दायरे में रह के और वो इंडिया से अलग नहीं हुए, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हम इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक यूनिट के तौर पर अभी भी बने हुए हैं। वैसे देखो ट्रेडिशनली इंडिया एक टेरिटोरियल यूनिट नहीं रहा है, इंडिया एक सिविलाइजेशन रहा है, यानी पूरी इंडिया में कभी भी एक लैंग्वेज, एक धर्म या फिर ऐसा कुछ नहीं रहा है, पूरे इंडिया को आपस में जोड़ के रखा है एक आइडिया ने, आइडिया एज ए इंडिया, आइडिया है प्लूरलिज्म का, आइडिया है मल्टीप्लिसिटी का। तो ये देश के लीडर्स को डिसाइड करना होगा कि आगे हम कैसे इस आइडिया को ले जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम एक बने हुए हैं इसी आइडिया की वजह से, प्लूरलिज्म की वजह से, डाइवर्सिटी को हमने एकोमोडेट किया है, इस वजह से हमको फ्यूचर में भी इसी आइडिया को एकोमोडेट करके चलना होगा ताकि इंडिया एज ए आइडिया बरकरार रहे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त वैसे एक बात याद आ गई, पिछला इंटरव्यू जब मैंने दिया था तो BS बसी सर का बोर्ड था, उनको पता लगा कि मैं YouTube वीडियो बनाता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी, उन्होंने कहा कि आप एक YouTube वीडियो बनाइए जिसमें सब्जेक्ट है इंडिया और चाइना का आपस में कंपेरिजन। तो काफ़ी पॉइंट्स मैंने बताए थे लेकिन इतना अच्छे से भी नहीं बता सका था, लेकिन ये आर्टिकल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये आर्टिकल अगर हम पहले डिस्कस करते तो कम से कम उस समय दो तीन पॉइंट और ज़्यादा बताए जा सकते थे। देखो ये इंटरव्यू बोर्ड
जब इस प्रकार की सिचुएशन देता है ना कैंडिडेट को, जैसे नितिन सांगवान, 2-3 साल पहले उनकी 29 रैंक आई थी, उनको ये बोला गया था कि आप एक स्पीच दीजिए, यूएन में इंडिया को परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए, आप खड़े होकर स्पीच दीजिए। तो उन्होंने खड़े होकर स्पीच दी थी उनके सामने और उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला था, उनके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। और इवन इस बार 111 रैंक आई थी सौरव की, सौरव ने हमारे चैनल पे वीडियो भी डाली थी, तो उनको भी, उनकी हॉबी थी पोइट्री, तो पोएम सुनाने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने पहली पोएम सुनाई, बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो इसके बाद उनको बोला गया कि आप एक और सुनाइए, तो उन्होंने दूसरी पोएम भी सुनाई, तो काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए, 200 से ज़्यादा मार्क्स हैं सौरव के इंटरव्यू में। तो आप भी कुछ ऐसी हॉबी जरूर डेवलप कीजिए जिससे आप इम्प्रेस कर सको बोर्ड को। चलते हैं आगे, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।